बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा बहुत पसंद आएगी। देखें जी, वो है जी इस काका का सिटी और मैं हूँ इस वक्त इस ऊंचे से पहाड़ पे। माशाल्लाह मंत्रा गारा के अंदर आ चुके हैं और सऊदीया के अंदर आपको किसी चीज़ की भी मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के ऐसी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं कि मतलब जैसे अगर आप घर में बोर हो रहे हैं तो यहाँ पे पार्क है, पार्क में जाए। अच्छा जी, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो उनको जाके शॉपिंग करवा सकते हैं। तो मतलब इतना वो नहीं है, अभी पूरा पार्क घुमाता हूँ मैं। जैसा कि देखिए अभी खजूर लगी है यहाँ पर माशाल्लाह। तो सऊदीया के अंदर आपको खजूर बहुत मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खजूर मिलेगी आपको। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा किस्म का, अच्छा किस्म का व्यू भी है, साथ में मौसम भी बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि सऊदीया के अंदर एक ऐसी मतलब अच्छी और ख़ास बात यह है कि आपको कहीं गंदगी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल साफ नीट और क्लीन है। तो ये बिल्कुल कोई भी गंदगी नहीं है, ये लोग अपने एरियाज़ को बहुत साफ और क्लीन और नीट रखते हैं। और जैसे कि मतलब सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने कंट्रीज़ के अंदर, अपने पाकिस्तान को, जिस भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं उस कंट्री को साफ़ रखने की कोशिश करें। तो आज का मेरी तरफ से मैसेज यही है कि
कि हम अपने कंट्रीज़ के अंदर जहाँ भी रहते हैं उन कंट्रीज़ को हम क्लीन रखें, टाइडी रखें बिल्कुल, ताकि जितने भी लोग हैं वो दूर दूर से आ सकें। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। एक जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत लंबा सा कुछ आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक वो आगे तक गया हुआ है, इसका नाम मुझे ख़ुद भी नहीं पता। पता है इसको यहाँ पे किस लिए यूज़ किए जाते हैं? पूरा एक ग्राउंड है, ये वाला पूरा एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर, मतलब अगर कुछ चीज़ काश्त ये लोग करते हैं ना, किसी की चीज़ फसल को काश्त करते हैं, तो ये जो चीज़ है, जो ये पानी, मतलब पानी प्रोवाइड करता है। आपको पहिए भी नज़र आ रहे होंगे शायद, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है इस कोने में, एक इस ये इसका मतलब मेन ओरिजिन है, और इसके आगे ये जो बड़ी सी एक आर्म है, और इसमें सब में एक पानी का सिस्टम है, एक पानी की लाइंस हैं, वो पूरे एरिया में पानी प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये लोग ये काश्त जो चीज़ करते हैं यहाँ पे, उसको पानी प्रोवाइड करने के लिए घूमता है सर्कल में, तो जिसकी वजह से पूरे एरिया को पानी मिलता है। और ये पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि ये यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, जो फसलें होती हैं उनको पानी देने के लिए यूज़ किया जाता है। इतना बड़ा है ना, मैं आपको साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं वो उधर से घूमता 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 ये आ रहा है, एक कोने में आ रहा है। तो देखें जी, मैं इस ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि हम लोग जो अपने कंट्रीज़ के अंदर जो ऐसी जगहें होती हैं उनको साफ तो बिल्कुल भी नहीं रखते हम लोग, जितना कचरा हो सकता, जितना कचरा हमसे हो सकता है उतना हम कचरा फैलाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सफाई होती है वही आपकी, मतलब सफाई तो एक निस्फ ईमान भी है, और आपके मुल्क की पहचान होती है और आपकी अपनी पहचान होती है, कि जो आपको मतलब ये सफाई से आपको पता चलता है कि इस मुल्क के लोग कितने अच्छे हैं, कितने साफ हैं। इसलिए अपने मुल्क को साफ़ रखें, जहाँ रहते हैं जिस मुल्क में भी रहें उस मुल्क को भी साफ़ रखने की कोशिश करें, गंद ना फैलाएं, ना खुद फैलाएं, ना और किसी को फैलाने दें। रोज़ मेरी कैफ़े यहाँ पे, आइए चलते हैं देखते हैं कैसा है कैफ़े। माशाल्लाह एक सोडानी फैमिली बैठी है, जो कि यहाँ पर बारबेक्यू का इंतज़ाम और अहतमाम किए हुए इन लोगों ने, काफ़ी सारे लोग हैं। कैसे कैसे तक करते हैं, कैसे है कि ज़रा ये भी नहीं पता मुझे, चेक करते हैं कि ज़रा कैफे। वाह ज़बरदस्त, हमारे पुराने घर के अंदर ऐसे फूल लगे हुए थे, खूबसूरत किस्म के फूल हैं। ये एक चमेली है, और ये चमेली ऐसी है कि पूरा घर आपका मतलब कवर कर लेती है। लगता है शायद ये रोजमेरी कैफे है, क्या पता है ये भी ना। भाई ये तो बंद है, ताला। अभी सही नज़ारा हुआ है जी, पूरे अलजोफ का अभी सही नज़ारा हुआ। मैंने अपने ऊपर लगाया लेकिन सूरज की वजह से सारा नज़ारा ख़राब आ रहा था, तो मैंने बंद ही कर दिया। चले ऐसे लगाते हैं। ये देखें, ये सारा गारा का एरिया है सामने वाला, और वो इधर भी आपको शायद नज़र आ रहा हो, ज़ूम करता हूँ मैं, ये गारा का सारा एरिया, और ये भी ऐसे ही है गारा का कुछ एरिया है, और ये सारा सकाका है इस तरफ में, वो इंडस्ट्रियल एरिया, ये वाला इंडस्ट्रियल एरिया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक हाईवे अपना हाईवे आपको नज़र आएगी जहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये सीधी सड़क जाती है कहाँ जी, जुबेल। छोटी सी गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी जा रही है जी,
यार जी मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी आएँ अगर आपके पास टाइम हो, टाइम निकालें, अपना कीमती वक्त निकालें, अपने उस कीमती वक्त में से कुछ टाइम आउटिंग के लिए भी निकाला करें। तो घूमने के लिए आए मेरे साथ कहिएगा, अभी दूसरी तरफ चलता हूँ, शायद जो रोज़मेरी कैफ़े है उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे सूडानी फैमिली है, इन लोगों ने सही धुआं किया हुआ यहाँ पे, आज लगता है सही बारबेक्यू करेंगे ये लोग। ज़बरदस्ती लगता है ये रोज़मेरी कैफ़े है जी। कैसा हाल? फी मौजूद ईश फी मौजूद कहवा काफ़ी ईश फी मशरूबात साखन बारद हलويات हलويات ايش الحلويات بكم؟ انا 16 16 هنا عندك ب 16 و 12 و 10 هي من بكره اكس كورن فليكس ريالين فليك روز ماريكا فليك فليك بريالين واحد في موجود شاي؟ لا اخوي في واحد شاي حليب شاي حليبي ايش في سلطاني؟ شاي في موجود؟ جي واحد شاي بس، واحد كوكي واحد شاي. ये चाय बन रही है जी, साहब जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। बस सोया व्लॉग वीडियो 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 समझो ओके। मुझे तो माशाल्लाह इनकी कुकीज़ बहुत ही अच्छी लगी है, चाय भी तक चेक नहीं की मैंने। तो आप कभी जब कभी चक्कर लगे तो ज़रूर 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 बिल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही नोरियल की है कुकीज़, और पाकिस्तानी पैसों के अंदर अगर कन्वर्ट किया जाए 9 × 60 तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करेंगे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो लेकिन अभी क्या करें, अभी बंदा आए और कुछ खाए ना, ऐसा तो फिर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ता है। तो टिशू मेरे पास पड़ा है, वहाँ से टिशू निकाल रहा हूँ। चाय भी अच्छी है, नोरियल की चाय है, क्यों ना अच्छी हो, नहीं 6 रियाल सॉरी। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, मैं आपको बैक व्यू भी दिखाता हूँ यहाँ से। गाड़ियाँ आ रही हैं देखें, मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे, क्या कहते हैं, जब कुकीज़ ले रहा था और साथ में ले रहा था चाय, तो बंदा कहता है यार नहीं यहाँ पे ममनू है, नहीं बना सकते हम। मैंने कहा यार दिल में सोच रहा था पता नहीं क्या अंदर ख़जाना रखा हो तुमने, जिसकी वजह से तुम कह रहे हो कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने फिर वीडियो रोक दी थी, अभी मगरब की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो नमाज़ जाके मस्जिद में पढ़ते हैं। यहाँ पे करीब में बहुत ही अच्छी मस्जिद है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद है, और मैंने सोचा चलो आपको, मस्जिद पुरानी भी है तो उस मस्जिद के बारे में आपको बताते हैं। चलो जाके उस मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, नमाज़ पढ़ने के बाद
इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और देखते रहिए क्या अपडेट्स हैं। जी माशाल्लाह मस्जिद के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं और ये गारा के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद है और माशाल्लाह बहुत बड़ी भी मस्जिद है। अंदर से भी आपको इसका मैं विज़िट करवाऊँगा। वो सामने मंत्रा गारा था और ये सामने मस्जिद है। मस्जिद में आ गया हूँ मैं, अभी आपको अंदर से भी इसका दिखाता हूँ मस्जिद अंदर से कैसी है। चले मेरे साथ आप आए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है अंदर से। ये एबुलेशन सिस्टम है, वजूखाना है, अंदर में वाशरूम है और बाहर वजू बनाने की जगह। और सऊदीया के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि शूज़ रैक्स बने हुए हैं हर जगह। अपने आप शूज़ उठाएं और इसके अंदर रखते हैं। ये बनी है, इसका नाम है मस्जिद, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है 1423 में बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरब की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी थोड़ा सा एक काम है, बैंक में वहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे तमाम भाइयों से जो जो ये वीडियो देख रहा है, भाई हैं, बहन है, जो भी है, उनसे गुजारिश है कि नमाज़ की पाबंदी करें, क्योंकि सबसे पहले क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब होगा वो नमाज का हिसाब होगा। जिसकी अगर नमाज अच्छी निकल आई उसके बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे, जिसकी अगर नमाज ही ख़राब निकली उसके बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। इसलिए कोशिश करें अपने फ़र्ज नमाज को वक्त के ऊपर 5 टाइम पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो इसलिए इस नमाज को हम जितना खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे तो उतने ही हम अल्लाह के करीब होंगे। जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इंसान को, इंसान की जितनी भी मुश्किलात आती हैं तो फिर वो अपने अल्लाह के साथ रुजू करता है। तो इसलिए अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें ताकि अल्लाह हमारे हर बिगड़ा काम बनाए। अभी मैं बैंक की तरफ जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ थोड़ा सा काम है, तो काम ख़त्म करने के बाद फिर खाना लेता हूँ। रात का डिनर का टाइम हो चुका है, भूख भी लगी है, तो फिर वापसी करते हैं अपने घर में। मैं तो बिल्कुल अपने बैंक के नज़दीक आ चुका हूँ और लगता है आज बैंक कोई भी आज वो नहीं है, रश नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलें चलते हैं और जाके देखते हैं क्या सिस्टम है बैंक के अंदर। ये बैंक बंद है लेकिन ये एटीएम मशीन्स है यहाँ पे, और 1, 2, 3 एटीएम मशीन और एक 1 सेल्फ मशीन है, सेल्फ कार्ड प्रिंटिंग मशीन है। ख़त्म, अभी हम चलते हैं रूलर वापस, फिर पहुंच के देखते हैं क्या कर रहे हैं। आज का व्लॉग हुआ जाता है यहाँ पे इख्तिताम, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जगह पर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको, और जिसने बेल के आइकन को भी प्रेस नहीं किया हुआ तो वो भी प्रेस कर ले बराए मेहरबानी, ताकि उसको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।